हेलो बच्चों, तो आज हम लोग गुरु नीति का 12वां लेक्चर आपके साथ लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स के जो हैं क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है हमने, है ना, जो कि सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। ठीक है, और आपकी जो है एक अच्छी सी रिविजन हो जाएगी इन सारे क्वेश्चन को करके, है ना, पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं ढाका सर और मेरा नाम है हेमंत अग्रवाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सर। बिल्कुल सर, तो ये बोल रहा है द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज सिनोनिमस टू, कि एक स्प्रिंग का बल नियतांक किसके समान है। तो मतलब मेरे को एक वायर है जिस वायर का यंग्स मॉडुलस y क्रॉस सेक्शन एरिया a लेंथ l और उसको एक स्प्रिंग से कंपेयर करना है। तो इस सिचुएशन में सर कि भाई यहां पर अपने पास एक वायर है, लेट सपोज कि मैंने इस वायर पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स एफ अप्लाई किया और इस वायर की लेंथ में एक्सपेंशन जो है वो एक्स है। बिल्कुल, तो यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन इज एक्स अपॉन, लेट सपोज द इनिशियल लेंथ इज एल, सो दिस विल बी लाइक दिस, सो वाई विल बी एफ एल अपॉन ए एक्स। बिल्कुल, from here I can say that f is equals to y a upon l into x. so हमें इसको एक स्प्रिंग से कंपेयर करना है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, let's suppose अपन उस स्प्रिंग पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में f अप्लाई करते हैं तो उस स्प्रिंग पर फोर्स की वैल्यू f is equals to kx अपने पास आती है। तो यदि अपन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू y a upon l. जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एक वायर जो है वो स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है, है ना, और पिछले क्वेश्चन में ही हमने कैलकुलेट किया कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के जो होता है ये YA divided by L के equivalent होता है, है ना? YA divided by L जो है, it is equivalent to a spring constant. ठीक है? और यदि एक spring को हम लोग x distance से stretch करते हैं, तो जो हमें work done करना पड़ता है, वो होता है half k into x square. और k की ये वाली value रख देंगे, तो यहाँ से work done हो जाएगा 1 by 2 times YA divided by L into x into x square. ठीक है, तो अगर हम देखें तो सेकंड आंसर जो है ये हमारा करेक्ट है। बिल्कुल, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर, थर्ड में बोल रहा है दैट यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ l क्रॉस सेक्शनल एरिया a एंड यंग्स मॉडुलस y इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेस शोन इन द फिगर, द इलॉन्गेशन इन द रोड इज, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये रोड है जिसकी लेंथ l है, इस वाले सेक्शन में जिसकी लेंथ अपने पास 2l / 3 है और इधर वाले पार्ट की लेंथ अपने पास l / 3 है, कुछ इस टाइप से अपन ने फोर्सेस अप्लाई कर रखे हैं। तो यदि अपन इस क्वेश्चन को एक सिंपल तरीके से डील करना चाहे तो मैं इस वायर को एक्चुअली जैसे पहले गिवन कंडीशन को अपन ड्रॉ करें, 3f इस डायरेक्शन में एक्टेड है, f इस डायरेक्शन में एक्टेड है और 2f इस डायरेक्शन में एक्टेड है, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स तो सिस्टम पे जीरो है, बिल्कुल एक्सीलरेट नहीं करेगा। तो अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें कि लेंथ 2l / 3 की बात करते हैं और लेंथ l / 3 की बात करते हैं। सिंपल सा ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कि इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 3f है, तो हम इस डायरेक्शन में भी वायर पे एक्सटर्नल फोर्स 3f अप्लाई कर देते हैं, इस पर इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 2f है तो हम इस पर भी इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 2f अप्लाई कर देते हैं। यदि मैं दोनों को सुपरपोज करके देखूंगा तो इस वाले पॉइंट पर मेरे पास वैसे भी एक्सटर्नल फोर्स f ही आ रहा है, मतलब मैं इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर सकता हूं जिस एक पोर्शन की लेंथ जो है वो 2l / 3 है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स 3f है और एक पोर्शन की लेंथ l / 3 है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स 2f है। तो किसी भी वायर की लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस इनटू उसकी लेंथ। तो फर्स्ट वाले वायर के लिए यदि मैं लेंथ में इंक्रीमेंट देखता हूं डेल्टा l1 दैट वैल्यू कम्स एज 3f इनटू द लेंथ दैट इज 2l / 3 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया a यंग्स मॉडुलस y, so this value comes as 6fl upon 3ay.
सिमिलरली सेकंड वाले वायर के लिए यदि मैं बात करूं तो सेकंड वाले वायर पर मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो 2F आ रहा है, तो 2F into लेंथ जो है सेकंड वाले वायर की L by 3 divided by A into Y, so that value comes as 2FL divided by 3AY. तो यदि मैं टोटल लेंथ में इंक्रीमेंट की बात करता हूं then that length is delta L1 plus delta L2. Delta L1 is 6 by 3 and it is 2 by 3, so that length comes as 8FL divided by 3AY. So that will be the change in total length. कई बार इसी क्वेश्चन को मतलब जैसे तीन पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं तो कुछ नहीं करना है, एक्सटर्नल वाला पार्ट लेकर चले, तीन पार्ट में डिवाइड कर दे, सब पर डेल्टा एल सब करके टेंशन कैलकुलेट करके और लंबे से निकल करके ऐड कर दे। बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ाएं बात को, क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वन एंड ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल वेट डब्ल्यू इज अटैच्ड रिजिडली टू अ पॉइंट इन रूफ and a weight W1 is suspended from the lower end. If A is the area of cross-section of the wire, then the stress in the wire at height 3L by 4 from the lower end is. तो question कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक wire है, ठीक है? इस wire का जो खुद का weight है ना? इस wire का जो खुद का weight है, वो W है। यहाँ से हमने इसे यहाँ से लटका दिया और यहाँ पर एक W1 weight हम लोग और लटका रहे हैं, ठीक है? और यहां से 3L by 4 की बात करते हैं, यहां से ये वाला डिस्टेंस जो है ये 3L by 4 की बात करते हैं और इस पॉइंट पर हमें स्ट्रेस बताना है। इस पॉइंट पर स्ट्रेस बताने के लिए यहां टेंशन निकाल लें। अब यहां पर जो टेंशन होगा वो इस वेट के कारण होगा प्लस रस्सी का जो ये वाला लेंथ है इसके वेट के कारण होगा। तो ये जो टोटल वेट हो जाएगा ये हो जाएगा W1 प्लस और ये वाला वेट हो जाएगा 3/4 W, है ना? तो दिस विल बी द टेंशन और इस टेंशन को यदि हम एरिया से डिवाइड कर दें, है ना, इसको यदि हम एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें स्ट्रेस मिल जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू सॉप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर कनेक्टेड बाय ए ट्यूब, कि दो सॉप बबल्स हैं और एक ट्यूब से कनेक्टेड है और इनकी रेडियस जो है वो डिफरेंट है। तो लेट सपोज ये मेरे पास स्मॉलर बबल और ये लार्ज बबल, लेट सपोज कि इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस जो है वो R2 है। तो यदि मैं इसके इनसाइड में प्रेशर की बात करता हूं, दैट वैल्यू विल बी P0 प्लस 4T डिवाइडेड बाय R1। और यदि मैं इसके इनसाइड में प्रेशर की बात करता हूं देन दैट इज P0 प्लस 4T डिवाइडेड बाय R2। We can see from the diagram that R1 is lesser than R2. R1 is less than R2, then P1 is greater than P2. Obviously, दोनों bubbles के inside में यहाँ पर कुछ amount of air present है। तो यदि अपन options की बात करते हैं, so first option में बोल रहा है that air flows from the bigger bubble to the smaller bubble till the size becomes equal. बिगर बबल टू स्मॉलर बबल एयर फ्लो कर रही है, तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। दैट मींस एयर फ्लो करेगी स्मॉलर बबल टू बिगर बबल। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो अपना जो है फ्रॉम बिगर बबल टू स्मॉलर बबल टिल द साइज बिकम्स इक्वल, दैट इज रो। सेकंड ऑप्शन में बात कर रहा है दैट एयर फ्लोस फ्रॉम बिगर बबल टू स्मॉलर बबल, सीधा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। थर्ड वाले में ऑप्शन बोल रहा है कि दैट एयर फ्लोस फ्रॉम स्मॉलर बबल टू द बिगर बबल, ये सही हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। और फोर्थ वाले में बोल रहा है दैट इज नो, देयर इज नो फ्लो ऑफ एयर, ये तो गलत है, तो बिल्कुल गलत बात है। सो थर्ड ऑप्शन जो अपना है दैट इज द करेक्ट। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट फिल्ड विद आयरन बार्स अज्यूमिंग दैट आयरन ऑक्यूपाइज 1/20th of the total cross section area, है ना? तो question कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है? इसमें दो चीजें हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं जब कॉलम बनाते हैं तो उसमें आयरन की छड़ डालते हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो कॉन्क्रीट होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ चलो एक ही छड़ है, है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो ये तो हमारा आयरन का, ये आयरन का छड़ हो गया और बाकी जो है वो कॉन्क्रीट है। तो दो चीज है, एक तो आयरन है और एक कॉन्क्रीट है। इसके बारे में हमें क्या पता है कि आयरन का जो एरिया है वो 1/20th ऑफ द टोटल एरिया है। तो ये 1/20th हो जाएगा, तो कॉन्क्रीट का जो एरिया हो जाएगा वो 19A/20 हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉन्क्रीट इज 1/10th ऑफ द आयरन,
ठीक है, अगर कॉन्क्रीट का यंग्स मॉडुलस, अगर हम लोग आयरन का यंग्स मॉडुलस अगर y लेंगे तो कॉन्क्रीट का जो यंग्स मॉडुलस है ये हम लोग y डिवाइडेड बाय 10 ले सकते हैं। ठीक है, अब पूछा हुआ है कि द कॉन्क्रीट कॉलम इज अंडर कंप्रेसिव लोड p, द फ्रैक्शन ऑफ लोड ऑन द कॉन्क्रीट इज n बाय 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखिए बहुत सिंपल है, मान लेते हैं कि यहां पर है ना, ये कॉन्क्रीट जो है ये ग्राउंड पर है और हमने यहां से इसके ऊपर एक लोड लगाया। ठीक है, तो यहां से जो हम लोग लोड लगाएंगे ये लोड एसेंशियली जो है ये दो लोगों पर बटेगा, एक तो आयरन कॉलम पर बटेगा, लेट से आयरन कॉलम पर जो लोड बचेगा उसे मैं F1 कह देता हूं और एक कॉन्क्रीट पर जो लोड है उसे मैं F2 कह देता हूं। टोटल जो लोड है वो F1 प्लस F2 के बराबर है। तो हमें इसमें बताना है कि कंक्रीट पर जो लोड है वो कितना है, बेसिकली F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 की वैल्यू हमें चाहिए। बिल्कुल, अब बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर क्या सोच सकते हैं, यदि हम लोग जब ऊपर से फोर्स लगाएंगे है ना, जब फोर्स लगाएंगे तो ये जो कॉलम है इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी हो जाएगी कंप्रेशन के कारण, और जब ये हाइट छोटी सी हो जाएगी तो ये बहुत सेफली हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो कॉलम है ऐसा तो होने का नहीं कि भाई आयरन का लेंथ थोड़ा सा कम छोटा हो और कॉन्क्रीट थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लेंथ में जो चेंज है जो आयरन में होगा उतना ही लेंथ में चेंज जो है वो कॉन्क्रीट में भी होना चाहिए। ठीक है, शायद इसी बेसिस पर है ना ये एरिया का रेशियो भी डिवाइड किया जाता है कि बिल्कुल किस रेशियो में लगाए, वरना तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि ब्रिज बना हुआ है और आयरन रोड्स जो है वो बाहर निकल जाए। तो उनका रेशियो जो कंप्रेशन होना चाहिए उनकी लेंथ में जो डिक्रीमेंट होना चाहिए दैट शुड बी द सेम। बिल्कुल, तो यहां पे अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखें है ना, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो यहां से अगर हम लोग डेल्टा एल लिखेंगे तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू इनटू यंग्स मॉडुलस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा एल है आयरन के लिए और जो डेल्टा एल है कंक्रीट के लिए, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए है ना। तो बस इनको इक्वेट करना है। तो मैं आयरन के लिए बात करता हूं, अगर मैं आयरन के लिए बात करूंगा तो जो फोर्स है वो हमारा F1 है, लेंथ जो है वो दोनों के लिए सेम है, आयरन के लिए जो एरिया है वो a/20 है ना, तो ये a डिवाइडेड बाय 20 है, और जो आयरन के लिए यंग्स मॉडुलस है इसे हम लोग y कह देते हैं इज इक्वल टू। अगर हम कंक्रीट के लिए बात करें, कंक्रीट के लिए फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F2 इनटू लेंथ, तो दोनों का सेम हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा कंक्रीट का एरिया हो जाएगा 19a डिवाइडेड बाय 20 है ना, और जो यंग्स मॉडुलस कंक्रीट का है ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 10 है ना, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 10। तो लेंथ एरिया यंग्स मॉडुलस, लेंथ एरिया यंग्स मॉडुलस, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा अगर F1 डिवाइडेड बाय F2 की वैल्यू लिखें है ना, तो F1 डिवाइडेड बाय 20, F2 की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 19। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि द फ्रैक्शनल लोड ऑन द कॉन्क्रीट है ना, कॉन्क्रीट में फ्रैक्शनल लोड की बात करनी है, तो बेसिकली मुझे F1 डिवाइडेड बाय F2 डिवाइडेड बाय है ना, हमें F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 की वैल्यू चाहिए है ना, F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 की वैल्यू चाहिए। ऐसा करते दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय F2 है ना, और ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 19। तो देखिए F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 है ना, ये वैल्यू आ रही है 19 डिवाइडेड बाय 29, और ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि ये n बाय 3 है ना। तो यहां से अगर आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.96 जैसा कुछ आ जाता है, जिसे हम लोग 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 जो अपना है, इसमें बोल रहा है दैट अ वायर कैन सस्टेन द वेट ऑफ 20 kg बिफोर ब्रेकिंग। ठीक है, इफ द वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट कैन सस्टेन अ वेट ऑफ, तो इसमें एक इंफॉर्मेशन वैसे थोड़ी सी और गिवन होनी चाहिए थी कि अपन उसको लेंथ के अलोंग कट कर रहे हैं कि एरिया के अलोंग कट कर रहे हैं। तो किसी भी वायर का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो उस वायर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और वो वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहती है।
यदि आप वायर पर किसी टाइम, मान लो कि सेम मटेरियल का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और सेकंड केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के टाइम फोर्स डिफरेंस हो सकता है, फोर्स अलग अलग हो सकता है, बट ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू सेम रहेगी, सेम रहेगी। तो इस वाले केस में यदि मैं उसको लेंथ के अलोंग डिवाइड कर रहा हूं, तो जो ये 20 kg, ये तो फोर्स से रिलेटेड, तो वो यदि मैं लेंथ के अलोंग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो उसका एरिया जो है वो सेम है, दैट मींस फोर्स जो होगा वो भी सेम होगा। तो मतलब ये वायर अभी भी 20 kg का ही फोर्स वेट जो है वो सस्टेन कर सकता है। सेकंड केस की इफ यदि मैं इसको ऐसे बोलूं कि एरिया के अलोंग अपन ने कर दिया, दो एरिया के दो पार्ट करके कर दिया, तो उस केस में तो F1 अपॉन एरिया A इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय एरिया इज A/2, देन द F2 बिकम्स F1 डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया के अलोंग यदि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन मैक्सिमम वेट जो सस्टेन कर पाएगी बॉडी, दैट विल बी 10 kg। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग एरिया सेम रखते हैं तो ब्रेकिंग फोर्स सेम रहेगा, बिल्कुल। एरिया आधा कर देंगे तो ब्रेकिंग फोर्स आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। द वायर ए हैज अ लेंथ एल एंड डायमीटर आर, वेयर एज वायर बी हैज अ लेंथ 2L एंड डायमीटर आर बाय 2। इफ द टू वायर आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, द एलोंगेशन इन ए डिवाइडेड बाय एलोंगेशन इन बी इज, ठीक है। यदि हम एलोंगेशन लिखें तो यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। हमारे पास जो वायर है ये सेम मटेरियल का है, मतलब यंग्स मॉडुलस तो सेम होगा, ठीक है, और हमने इसके ऊपर फोर्स भी सेम लगाया है, तो फोर्स भी सेम लगाया है, तो ये जो एलोंगेशन हुआ ना वो लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल लेंथ डिवाइडेड बाय, और एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या डायमीटर के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो ये डायमीटर को आर कह रहे हैं, तो ये डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं डेल्टा एल वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एल टू, तो ये हो जाएगा एल वन डिवाइडेड बाय एल टू इन टू, ये हो जाएगा आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर दैट कैन हैंग विदाउट ब्रेकिंग। कि कॉपर वायर है और वो उसकी लेंथ अपन इंक्रीज करते जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस लेंथ पे जाके वो खुद से ब्रेक हो जाएगा, दैट मींस वी आर इंक्रीजिंग द वेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो अपन सेम रखते हुए उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो अपने को गिवन है दैट इज 7.2 × 10⁻⁷ इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो मैक्सिमम जो टेंशन की यदि मैं बात करूं या फिर मैक्सिमम फोर्स की बात करूं तो वो इस वाले पॉइंट पर होगा, बिल्कुल, और वो वायर के वेट के इक्वल होगा। तो यदि ये वायर ब्रेक भी होगा तो हाईएस्ट पॉइंट से ब्रेक, तो इस वाले पॉइंट पर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास वेट mg के इक्वल होगी। द मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। तो यदि मैं ये वाली वैल्यू यहां पुट करता हूं तो ये डाटा अपने पास आ रहा है 7.2 × 10⁻⁷ इंटू में रो ए एल जी डिवाइडेड बाय एरिया ए, ए से ए सही हो गया। तो मैक्सिमम लेंथ जो अपने पास आ रहा है दैट इज 7.2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय द डेंसिटी दैट इज 7.2 g/cc। तो यदि kg पर मीटर क्यूब में बात करूं तो डायरेक्टली अपन 10⁻³ से कर सकते हैं। वैसे देखना चाहे तो 7.2 × 10⁻³ -3 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो, और नीचे वाला डाटा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶। तो ये वाली वैल्यू 7.2 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो कभी भी कन्वर्जन करना हो ग्राम पर सीसी से केजी पर मीटर क्यूब में तो 10³ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रो की वैल्यू जो अपने पास है 7.2 × 10³ एंड व्हाट इज जी, जी इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज नॉट 10 मीटर, इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइड विद 10, 7.2 तो सही हो गया, 7 और 4, तो यहां से जो वैल्यू आ रही है 10³ दैट वी कैन से
वायर जो है यदि 1000 मीटर लॉन्ग भी होगा तो उसके बाद वो ब्रेक करेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर ऑफ स्टील एंड कॉपर आर स्ट्रेस्ड बाय इक्वल फोर्सेस। कहने का मतलब है सिमिलर वायर से मतलब है उसका एरिया सेम होगा और लेंथ सेम होगा और मटेरियल अलग अलग है ना। इफ द टोटल एलोंगेशन इज 2 सेंटीमीटर देन हाउ मच इज द एलोंगेशन इन द स्टील एंड द कॉपर वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, है ना, कि हमारे पास लेट्स से दो वायर है, है ना, दो वायर है, लेट्स से एक स्टील का है और एक कॉपर का है, दोनों का लेंथ जो है वो सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और अब हमने क्या किया, अब हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें एलोंगेशन x1 हुआ होगा, इसमें एलोंगेशन x2 हुआ होगा, और एक बात जो गिवन है कि वो ये गिवन है कि x1 प्लस x2 जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है ना, तो यूनिट का ध्यान रखेंगे ये 2 जो है ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तुम्हें ये बताना है कि x1 x2 की वैल्यू कितनी होगी। एक बात हमें ये दे रखी है कि स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो इतना दे रखा है, कॉपर का जो यंग्स मॉडुलस है वो इतना दे रखा है, 12 × 10⁻¹ दे रखा है। ठीक है, एक बात समझने वाली यहां पर ये है, हमें ये बताना है कि इन दोनों में एलोंगेशन अलग अलग कितना होगा, है ना। एक बात जो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने फोर्स यहां पर एफ लगाया तो इस वायर में जो टेंशन होगा वो भी इस एफ के बराबर होगा, इस वायर में जो टेंशन होगा ये भी इस एफ के बराबर होगा, तो दोनों में एलोंगेशन अलग अलग हो सकता है, दोनों का यंग्स मॉडुलस अलग अलग है लेकिन दोनों में फोर्स सेम है। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से ही शुरू करें, तो यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। यहां से अगर हम लोग फोर्स लिखेंगे, है ना, तो यहां से अगर हम लोग फोर्स एफ लिखेंगे तो फोर्स एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल, तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। चलिए तो अगले स्लाइड में देखते हैं। चलिए सर, तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेट्स से जो फोर्स स्टील में होगा, तो फोर्स स्टील में होगा तो हम लोग यहां से लिखेंगे यंग्स मॉडुलस स्टील का इनटू एरिया, तो दोनों का सेम है, यंग्स इसमें जो एलोंगेशन है इसे हम लोग x1 कह देते हैं, और डिवाइडेड बाय जो लेंथ है ये इसका l है। इसी तरह से यंग्स मॉडुलस हो जाएगा कॉपर का इनटू एरिया इनटू x2 डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए तो यहां से यदि मैं x1 लिखना चाहूं तो x1 की वैल्यू हो जाएगी यंग्स मॉडुलस कॉपर इनटू x2 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस स्टील, तो ये हो गया। तो बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन है, लेट्स इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी, x1 की और x2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो x1 x2 की जो वैल्यू मिलेगी, एक तो वैल्यू मिल जाएगी 0.75 सेंटीमीटर और एक वैल्यू मिल जाएगी 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल, चलिए तो अगला क्वेश्चन करें, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 में बोल रहा है कि ये मासलेस यूनिफॉर्म रोड इज सब्जेक्टेड टू फोर्स एफ at its free end as shown in figure, then the ratio of tensile stress at plane P1 and stress at plane P2 is. तो यदि मैं जैसे सबसे पहले प्लेन P1 पे बात P2 पे बात करें, तो प्लेन P2 पे जो टेंसाइल स्ट्रेस, लेट सपोज मैं S से डिनोट करता हूं, तो S2 की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली फोर्स, और मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वायर का वो कैपिटल A है, तो S2 की वैल्यू तो F/A आ गई। अब यदि अपन इस वाले प्लेन पे बात करते हैं, टेंशन स्ट्रेस लेट सपोज S1 है, तो सर वायर जो है मासलेस यूनिफॉर्म रोड है, इसका मतलब यदि यहां फोर्स F है तो इस डायरेक्शन में भी इस पर टेंशन जो होगा इधर F के इक्वल होगा, इधर F के इक्वल होगा, तो ये वाला जो मेरा फोर्स F1 है इस डायरेक्शन में, ये F का कोई कंपोनेंट होगा, एंड दैट इज ऑब्वियसली F cos 60°। सो दिस वैल्यू कम्स एज F डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास यहां फोर्स आ गया, अब मेरे को इसके एरिया की बात करनी है, तो एरिया के प्रोजेक्शन को यदि मैं देखता हूं, तो इस एरिया का इधर वाला जो प्रोजेक्शन है दैट इज, ये एंगल अपने को गिवन है 60°, तो ये वाला जो एरिया होगा दैट विल बी ए डिवाइडेड बाय कॉस 60, सिंपल सा। तो ए डिवाइडेड बाय कॉस 60 वाला, ये वाला जो एंगल इधर वाला, ये वाला
This angle is around 60 degree. इससे बात करें, ये एरिया इधर A1, ये एरिया इस डायरेक्शन में A, ये वाला एंगल 60, तो A1 की जो वैल्यू, A की वैल्यू जो होगी, that will be A1 cos 60, ऐसे बोले तो that value A1 comes as 2A, मतलब ये वाले पोर्शन का जो एरिया है, वो इस वायर के एरिया का डबल है, डबल है। अब यदि मैं यहां पर स्ट्रेस की बात करता हूं, तो S1 is equals to force, force is what F/2 divided by the area, area is what 2a. यदि आपने कैलकुलेट क्या करना है, P1 और P2 पर कैलकुलेट करना, that means we have to calculate S1 by S2. तो S1 by S2 की वैल्यू डायरेक्टली देखें, that value comes as 1/4. चलिए सर, आगे बढ़ाएं बात को बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू आर्म्स ऑफ अ यूट्यूब हैव अनइक्वल डायमीटर D1 इक्वल टू दिस एंड D2 इक्वल टू दिस। ठीक है, इफ द वाटर इज पोर्ड इनटू द ट्यूब held in vertical position, find the difference in the water level in the U-tube. Assume the angle of contact to be zero. ठीक है, तो हमारे पास एक U-tube है जिसके arms जो है वो unequal है, है ना? एक तो 0.1 millimeter diameter का है और एक 1 centimeter diameter का है। ठीक है, इस तरह से हम लोग दो arms ले सकते हैं एक ट्यूब के। एक बात हम जानते हैं कि जो height raise होती है ना, वो डायमीटर के या रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो एक बात हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो लिक्विड लेवल रेज होगा ये थोड़ा ज्यादा होगा, और यहां पर जो लिक्विड लेवल रेज होगा ये थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, और इन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है, इन दोनों की जो हाइट का जो डिफरेंस है, लेट्स से इसे मैं डेल्टा एच कह देता हूं, है ना? अगर मैं डेल्टा एच लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि इसकी लिए जो हाइट का फॉर्मूला, इसके लिए जो हाइट का फॉर्मूला, उसको डिफरेंस कर ले। बिल्कुल सर। तो ये हमारे पास हो जाएगा H1 माइनस H2। तो H1 कितना हो जाएगा, ये होता है 2S cos थीटा डिवाइडेड बाय R1 रो जी। ध्यान देने वाली बात है कि ये रेडियस है और हमें वहां पर डायमीटर दिया हुआ है। माइनस में हो जाएगा 2S cos थीटा डिवाइडेड बाय R2 रो जी, है ना? तो मे बी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 4s cos थीटा तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय रो जी, और यहां पर आ जाएगा 1/d1 - 1/d2। ये वैल्यूज यहां पर हम लोग पुट कर देंगे, है ना? सारी वैल्यूज दे रखी है। चलिए, ये हमारे डेल्टा एच की वैल्यू हमने यहां लिख ली, तो यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं, है ना? यहां पर अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा 4 टाइम्स जो सरफेस टेंशन दे रखा है, ये दे रखा है 7 × 10⁻², ये हो जाएगा 4 × 7 × 10⁻², डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³, जी की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, 1/d1 - 1/d2, तो 1/d1 जो है, d1 1 मिलीमीटर है, तो 1/d1 जो होगा ना, ये अगर मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये 10⁻³ आ जाएगा, और 1/d2 जो है ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग इनवर्स करके लिखेंगे मीटर में, तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो ये 2.5 सेंटीमीटर में आएगा, है ना? इसे हम लोग, ये वैसे भी ये मीटर में है, है ना? और इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर में है, ये 2.8 नहीं है, है ना? 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 में बोल रहा था, टू सॉप बबल्स विद रेडियाई आर, दैट R1 ग्रेटर देन R2 कम इन कांटेक्ट, दैट कॉमन सरफेस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू R। चलिए जी सर, तो क्वेश्चन जो है इसमें, जैसे ये कॉमन वाली सरफेस है, इस कॉमन सरफेस पर, जैसे जनरली स्टूडेंट्स का ये भी एक डाउट होता है सर कि सर हम किधर से इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे करें, मतलब इधर फोल्ड करना है कि इधर फोल्ड करना है। तो यदि अपन इस क्वेश्चन को, इसके अंदर प्रेशर की बात करें, तो सॉफ्ट बबल्स है तो प्रेशर होगा P0 + 40/R1, और इसके इनसाइड में मैं प्रेशर की बात करूं तो इसके इनसाइड में प्रेशर होगा P0 + 40/R2। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई P2 जो है, दैट इज ग्रेटर देन P1। P2 ग्रेटर देन P1 है तो ऑब्वियसली ये वाला उसको कंप्रेस करेगा, तो अपने सरफेस का जो नेचर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब लेट सपोज कि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास R है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे
जैसे मैं इसको 2 बोल रहा हूं तो इसके अंदर 2 बोल सकता हूं, इसको 1 बोल सकता हूं. इन दोनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू होगी दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 40 अपॉन आर. तो यदि अपन यहां इन दोनों से देखें तो ये प्रेशर डिफरेंस आ रहा है अपने पास 40 डिवाइडेड बाय आर टू माइनस 40 डिवाइडेड बाय आर वन. तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टू माइनस 1 अपॉन आर वन. सो वी कैन से दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन माइनस आर टू. सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? A container whose bottom has a round hole with diameter 0.1 millimeter is filled with water. The maximum height in centimeter up to which water can be filled without leaking will be what? ये एक अच्छा सवाल है, है ना? Although calculation wise it is easy, है ना? But concept अच्छा है. तो देखिए, ये हमारे पास, let's say इस तरह से हमारे पास एक टैंक है, ठीक है? और इस टैंक में हमने यहाँ पर पानी भर दिया. ठीक है, और अगर ये होल अगर बहुत बहुत छोटा है, है ना, तो हो सकता है कि यहां से पानी बाहर नहीं गिरे. ठीक है, तो पानी बाहर क्यों नहीं गिरेगा तो देखते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास पानी बाहर नहीं गिरेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पानी का एक ड्रॉप बन जाएगा, एक वाटर ड्रॉप बन जाएगा. ठीक है, और अगर एक वाटर ड्रॉप बन जाएगा तो इस वाटर ड्रॉप के कारण जो है ना, अगर हम लोग सरफेस टेंशन का जो एंगल है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 0 डिग्री लें, ठीक है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री लेंगे तो ये जो पेरिफेरी है, इस पेरिफेरी के ऊपर सरफेस टेंशन के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ठीक है, बाहर का जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है ये पी नॉट है, यहाँ बाहर का एटमोस्फेयर का प्रेशर पी नॉट है, तो एटमोस्फेयर के कारण जो है वो हर जगह इक्वल फोर्स है, तो एटमोस्फेयर के फोर्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, यहां का जो फोर्स, यहां का जो प्रेशर पी होगा, ये प्रेशर पी हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं? तो मैं कहूंगा ये जो प्रेशर पी होगा ये एच रो जी के बराबर होना चाहिए. बिल्कुल सर. और इस प्रेशर पी के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, है ना, इस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये फोर्स एफ किसके बराबर हो जाएगा? ये फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इज एच रो जी मल्टीप्लाइड बाय एरिया. एरिया कौन सा? ये वाला एरिया. ठीक है, अगर ये वाला फोर्स जो और ये सरफेस टेंशन का फोर्स, एज लॉन्ग एज ये दोनों फोर्स बराबर है तब तक इक्विलिब्रियम में चीजें रहेगी और ये लिक्विड जो है ये बाहर नहीं गिर रहा होगा. एसेंशियली आप ये समझिए कि लिक्विड जो यहां पर लिक्विड भरा हुआ है इसके कारण जो फोर्स है ये ड्रॉप को नीचे गिराना चाहता है, लेकिन सरफेस टेंशन का फोर्स जो है ये ड्रॉप को ऊपर रोके रखा हुआ है. तो हम कह रहे हैं कि ये वाला जो फोर्स है ये सरफेस टेंशन के फोर्स के बराबर हो जाए. तो सरफेस टेंशन का फोर्स जो होता है ये होता है सरफेस टेंशन इन टू ये वाला सरकमफेरेंस. ये वाला जो सर्कमफेरेंस है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एच रो जी इनटू एरिया को लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, है ना? तो लेट्स से ये पाई आर और यहां से ये पाई आर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहां पे एच की वैल्यू आ जाएगी 2s डिवाइडेड बाय एच रो जी. 2s डिवाइडेड बाय, नहीं, एच की वैल्यू निकालनी है आर रो जी. आर रो आर रो जी, है ना? अब कुछ नहीं है, बस वैल्यूज पुट करनी है. तो सरफेस टेंशन जो है वो है 75 × 10⁻³, तो ये हो जाएगा 75 × 10⁻³. यहां पर एक 2 और है डिवाइडेड बाय जो रेडियस दे रखा है, डायमीटर इज 0.1 मिलीमीटर, है ना? तो रेडियस हो जाएगा 0.1 ÷ 2 × 10⁻³ × 10⁻³, है ना? इसको अगर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे ना तो h की वैल्यू जो है ये 0.3 मीटर आ जाएगी, जो कि 30 सेंटीमीटर, जो कि 30 सेंटीमीटर है. तो ये हमारा आंसर है. चलिए सर, चल आगे बढ़ाएं बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है दैट अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर टू अ डेप्थ l एंड वाटर राइजेस टू अ हाइट h वेयर h इज लेस देन l. ठीक है, in a capillary tube, lower end of tube is closed in water by putting a thumb over it. मतलब अपने यहाँ अंगूठा लगाया, tube is now taken out, बाहर निकाला, and thumb is removed from the lower end and it is kept open. Length of the liquid column in the tube will be, कि अब इस liquid column की tube में जो length होगी वो क्या होगी? तो चलिए सर, पहले तो इसके concept को deal करते हैं कि अभी ये h height ऊपर तक यदि है तो इसको कौन से जो फोर्सेस होंगे, तो इसकी जो सरफेस का नेचर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा. कुछ इस टाइप का नेचर है
तो ऑब्वियसली अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है F, वो इस लिक्विड कॉलम के वेट के इक्वल है, और लिक्विड कॉलम का जो वेट होगा दैट इज डेंसिटी इनटू में पाई आर स्क्वायर इनटू एच इनटू जी। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है, अपन इसी से इसको डील करते हैं कि भाई फोर्स की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगी। अब वो कह रहा है अभी इनसाइड में लेंथ इसकी एल है और ये एल जो है ये ग्रेटर देन एच है। वो कह रहा है कि अब इसको अपन ने बाहर निकाला और बाहर निकाल के कुछ इस कंडीशन में छोड़ा तो अपने को यहां पर इस टाइप की सिचुएशन मिलती है, और इस सिचुएशन में ये नई लेंथ मान लो इसमें लिक्विड जो है वाटर जो है वो एल डैश हाइट तक अपने को मिल रहा है। तो यदि अपन इसमें बात करें तो एक तो अपवर्ड फोर्स पहले से एफ था और जब अपन इसको बाहर लेकर आ गए तो इस पेरिफेरी पर फिर से एक अपवर्ड फोर्स एफ लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से। मतलब अब सरफेस टेंशन वाला फोर्स केवल एक अपर सरफेस पर ना होकर अपर और लोअर दोनों सरफेस पर लगेगा, और अब इस फोर्स को जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट लग रहा है इसका उसको बैलेंस करना है। तो दैट वेट इज रो इनटू में पाई आर स्क्वायर इनटू एल डैश इनटू जी। यदि अपन इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं ये वाली वैल्यू तो रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एच जी है और ये वाली वैल्यू इधर रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एल डैश जी है, तो अपने एल डैश की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच। मतलब डबल फोर्स डबल हो गया, हाइट भी डबल ही होगी। तो चलिए सर इसका आंसर 2h है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ मास 0.2 ग्राम है ना, 0.2 ग्राम वाटर है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो 0.2 मिलीलीटर हो जाएगा। इस प्लेस बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.1 सेंटीमीटर। आई फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.07। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, और इसके बीच में हमने क्या किया, यहां पर हमने एक इसके बीच में हमने कुछ लिक्विड भर दिया है, ठीक है, और जब ये लिक्विड भर देंगे तो ये लिक्विड इस तरह से हमें दिखाई देगा, ठीक है, और क्योंकि वाटर को ग्लास में ले रहे हैं है ना, तो हम लोग यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री ले लेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। अगर ऊपर से देखें, ऊपर से देखेंगे ना तो हमें ये सर्कुलर रीजन दिखाई देगा जिसका रेडियस लेट से हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, ये हेमिस्फीयर है ना, तो अगर लेट से ये हाइट अगर एच माने तो ये जो रेडियस होगा ना, इस रेडियस को हम लोग एच बाई टू ले लेते हैं, इस हेमिस्फीयर का रेडियस। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि इस दोनों प्लेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, तो पहले तो ये बात करें कि अट्रैक्टिव फोर्स क्यों है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर अगर प्रेशर पी नॉट होगा तो यहां बाहर भी प्रेशर पी नॉट होगा, यहां जो प्रेशर होगा ना यहां पर प्रेशर होगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉन्केव साइड का प्रेशर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम होगा, तो यहां का जो प्रेशर होगा ये थोड़ा सा कम होगा। तो अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर है वो प्लेट्स को पुश कर रहा होगा, ठीक है। अब प्लेट्स को पुश कर रहा होगा तो इन दोनों के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस है वो डेल्टा पी तो है, तो जो फोर्स लग रहा होगा है ना, जो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, ये जो फोर्स लग रहा होगा ये हो जाएगा डेल्टा पी इंटू, अब ये वाला फोर्स जो है वो इस एरिया पर लग रहा है, ठीक है, तो लेट से इस एरिया को मैं ए बोल देता हूं, ठीक है। चल एक छोटी सी बात और, लेट से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर हम बात करें कि टोटल वॉल्यूम अगर वी है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू ये वाली एरिया इंटू ये वाली हाइट करेंगे, इससे हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा लिक्विड का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात बच गई वो ये बच गई कि हमें ये डेल्टा पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम डेल्टा पी की बात करें तो यहां पर जो डेल्टा पी होता है ना, डेल्टा पी इन जनरल हम लोग लिखते हैं 2s टाइम्स, सॉरी, इन जनरल हम लोग लिखते हैं s टाइम्स 1/r1 +1/r2 है ना, इस तरह से हम लोग एरिया लिखते हैं, डेल्टा पी लिखते हैं किसी भी समय। तो यहां पर अगर हम लोग दो इंटरफेस देखें यहां पर, तो एक बार अगर इंटरफेस यहां पर देखेंगे तो इसका जो रेडियस है ये तो h by 2 है, और ये वाला अगर इंटरफेस देखेंगे तो ये इंटरफेस प्लेन है तो इसका रेडियस इंफिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहां से डेल्टा पी क्या लिखते हैं,
यहाँ पे डेल्टा पी हो जाएगा एस डिवाइडेड बाय ये वाला रेडियस एच बाई टू के बराबर है, तो आर वन के बदले लिखेंगे एच बाई टू और आर टू तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। यहां से हमने डेल्टा पी निकाल लिया और लेट से एरिया की वैल्यू सेकंड से निकाल के फर्स्ट में रख दें और डेल्टा पी की वैल्यू यहां से थर्ड से निकाल करके फर्स्ट में रख दें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो फोर्स एफ आ जाएगा तो डेल्टा पी के बदले लिखेंगे 2s डिवाइडेड बाय h, 2s डिवाइडेड बाय h इनटू इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय h, है ना। अब यहां पर हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो एक बार देखें पीछे वाली स्लाइड में अगर वैल्यूज देखें तो जो सरफेस टेंशन दे रखा है ये दे रखा है 0.07 इनटू 2 इनटू जो मास है वो 0.2 ग्राम है, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, है ना। ये हमारे पास ये केजी में मास, ये केजी में 0.2 ग्राम है ना, 0.2 ग्राम है तो वो तो 0.2 मिलीलीटर हो गया, बिल्कुल ठीक है। और 0.2 मिलीलीटर को हमने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 10 टू दी पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये हमारा क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो गया। डिवाइडेड बाय जो हाइट दे रखी है, बिल्कुल सर, जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी 2.8 न्यूटन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है दैट अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 into 10 raised to the power minus 4 मीटर एंड डेंसिटी 10 raised to the power 4 kg per meter cube falls freely under gravity through a distance h before entering a tank of water. If after entering the water the velocity of ball does not change then find h और viscosity अपने को गिवन है। तो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन के कांसेप्ट की बात करें कि एक बॉल को अपन ने यहां से रिलीज किया, h हाइट से रिलीज करने पर इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gh। ये बोल रहा है कि जैसे ही ये एंटर करता है इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, दैट मींस नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो इस बॉडी पर एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा क्या, mg, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा क्या, बायंट फोर्स fb, और एक इस लिक्विड की वजह से इस पर विस्कस फोर्स लग रहा होगा, और स्पेरिकल बॉडी पर विस्कस फोर्स की वैल्यू 6 pi eta rb अपने वी के प्लेस पर यूनिट है। तो मतलब ये यदि ये वाली वैल्यूज सम होके इसके इक्वल हो जाए तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इसने टर्मिनल वेलोसिटी एंट्रिंग के टाइम ही अचीव कर रखी है। तो अपन बोले तो इनकी वैल्यू जो है वो mg इज इक्वल टू fb प्लस 6 pi eta rb वैल्यूज पुट कर देते हैं। This is rho body into the volume that is 4 by 3 pi r cube into z equals to fb that is v in that is 4 by 3 pi r cube completely inside a rho liquid into z plus 6 pi neta rb। कुछ cancel out करें तो सबसे पहले तो अपना pi सही होगी, एक ये r square यहां बचेगा, r cancel out हो गया, ये 3 times और ये 2 times cancel out हो गया, तो वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज 2 बाई 3 आर स्क्वायर रो बॉडी माइनस रो लिक्विड इनटू जी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स नीटा। फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट द स्पीड वी। तो चलिए सर डाटा पुट करते हैं, वी की जो वैल्यू अपने पास आ रही है दैट इज 2 रेडियस स्क्वायर, रेडियस इज 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बोले तो 10 स्क्वायर माइनस 8 इनटू रो बॉडी, रो बॉडी इज 10 टू द पावर 4 so we can write it 10 into 10 raised to the power 3 minus 10 raised to the power so liquid 3 z ki value apne paas 10 divided by 9 and neta is given as viscosity coefficient jo hai wo 9.8 into 10 ki power minus 6 so let's suppose apan g ko bhi 9.8 le lena, 9.8 cancel out ho jayega, ye yahan se ye wala data aayega 9 into 10 ki power 3 to ये अपने पास 10 की पावर माइनस 2, तो v जो आ रहा है दैट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू में 9 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी डिवाइडेड बाय 9, तो ये 9 कैंसिल आउट हो गया
दिस वैल्यू कम्स एज 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब जब बॉडी लिक्विड में एंटर कर रही है तो स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. मेरे को हाइट कैलकुलेट करनी है तो बहुत सिंपल सा बन गया, पर 20 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, तो 2g 20 का स्क्वायर इनटू में h, तो h की वैल्यू आ गई 400 डिवाइडेड बाय 19.6, दैट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 20.4 मीटर. मतलब यदि बॉडी इस साइड से पुल करेगी तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मोशन करेगी. चलिए सर, अगले क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है. कैपिलरी ऑफ लेंथ ln 2l आर कनेक्टेड इन सीरीज, the radii are r and 2 are respectively. If streamline flow is maintained and the pressure across the first and the second capillaries are p1 and p2 respectively, then the ratio p1 by p2 will be. है ना? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. हमारे पास दो ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब ऐसे है और एक दूसरा ट्यूब यहां पर है. इसका लेंथ l बता रहे हैं, इसका लेंथ 2l बता रहे हैं, ठीक है. इसका जो रेडियस है वो r है और इसका जो रेडियस है 2r, वो 2r है, ठीक है. और इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है. अब यदि इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है तो एक बात हम लोग कह सकते हैं कि इस वाले ट्यूब में और इस वाले ट्यूब में, दोनों ही ट्यूब में जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो सेम होगा. सेम होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होगा, ठीक है. तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इसमें इस दोनों एंड के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है वो P1 है, प्रेशर डिफरेंस P1 है, और इस दोनों के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है वो P2 है. तो हमें P1 P2 का रेशियो चाहिए. चलिए, अगर हम वॉल्यूम फ्लो रेट को अगर हम लोग क्यू डॉट लिखते हैं, है ना, तो क्यू डॉट हो जाएगा पाई डेल्टा पी इनटू आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ए थीटा एल, है ना, हो जाएगा पाई डेल्टा पी. तो अगर मैं इन दोनों में अगर वॉल्यूम फ्लो रेट देखूं, सेम होना चाहिए. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें तो दोनों के लिए सेम है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है. तो यहां पर अगर पहले के लिए मैं लिख सकता हूं P1 इंटू रेडियस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू, दूसरे में हो जाएगा प्रेशर P2, और 2R टू द पावर 4 हो जाएगा 16R टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा 2L, लेंथ हो जाएगा 2L. तो R टू द पावर 4 L, R टू द पावर 4 L कैंसिल हो गया, तो यहां से P1 डिवाइडेड बाय P2 क्या लिखेंगे, तो ये 8 आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का. चलिए चले अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19. सर वैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो जेई की सिलेबस से बाहर है, और ये जो क्वेश्चन है मैं स्पेसिफिकली ऐसे इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जनरली इस क्वेश्चन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं. तो इस वाले क्वेश्चन को एक बेसिक सा कंसेप्ट जिससे अपन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह मिलता है तो बच्चा ये सोचता है कि यार सिलेबस में है कि नहीं है. वैसे जेई के सिलेबस में ये वाली चीज बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है बेटा, ये क्लियर है, ठीक है. पर यदि अपन बात करें भी बहुत सारी जगह आप देखते हो तो फिर इस क्वेश्चन को हिट कैसे करना है. वो बोल रहा है दैट अ न्यूटोनियन फ्लूइड फिल्स द क्लीयरेंस बिटवीन अ सॉफ्ट एंड अ स्लीव, कि एक सॉफ्ट और स्लीव के बीच न्यूटोनियन फ्लूइड है, कि जब अपन सॉफ्ट पे 800 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं पैरेलल टू द स्लीव, द सॉफ्ट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो सॉफ्ट यदि कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है वो एक्सटर्नल फोर्स इस लिक्विड के विस्कस फोर्स से बैलेंस्ड हुआ है. बिल्कुल, मैं इस क्वेश्चन में उतनी ही बात कर रहा हूं बेटा जितना अपने को सीखनी चाहिए कि विस्कस फोर्स से बैलेंस्ड होता है, और विस्कस फोर्स जो है किसी भी लिक्विड में किसी बॉडी पर जो विस्कस फोर्स अप्लाई होता है वो उस बॉडी की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है. तो इनिशियल केस में जब अपन 800 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी की जो अचीव्ड वेलोसिटी है दैट इज 1.5. वो कह रहा है कि जब आप 3 टाइम्स फोर्स अप्लाई कर रहे हो 2400 न्यूटन, है ना, तो जब 3 टाइम्स फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो सॉफ्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो ऑब्वियसली द फोर्स इज 3 टाइम्स, तो बैलेंसिंग कंडीशन में वेलोसिटी भी 3 टाइम्स होगी. सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट वैल्यू कम्स एज 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड. सो दिस इज द आंसर. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 अगला क्वेश्चन करते हैं. टू ड्रॉप्स ऑफ सेम रेडियस आर फॉलिंग थ्रू एयर विद स्टेडी वेलोसिटी v सेंटीमीटर, इफ द टू ड्रॉप्स कोलाइड व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये बात हम लोग जानते हैं कि लेट से अगर किसी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी अगर vt है तो vt प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के स्क्वायर से. बिल्कुल ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारे पास दो ड्रॉप है,
इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है, ये दोनों ड्रॉप मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बन जाएगा, और इसका अगर रेडियस कैपिटल आर होगा तो इनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए, मतलब इन दोनों के वॉल्यूम का सम इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 टाइम्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के, ठीक है। तो ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैपिटल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा स्मॉल आर इंटू 2^1/3। तो ये रेडियस जो है, ये रेडियस इस तरह से रिलेटेड हो गए। अगर हम यहां पर देखें कि टर्मिनल वेलोसिटी v2 डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी v1, ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, है ना, और कैपिटल r बाय स्मॉल r को 2^1/3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2^1/3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 4^1/3, इसको हम लोग 4^1/3 लिख सकते हैं, 2^2/3 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे v2 is equal to 4^1/3, और अगर इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी v है तो हम लोग v1 को v लिख सकते हैं, तो बाद में जो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये 4^1/3 इंटू v आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। सो डियर, हमारी तरफ से इस लेक्चर में इतना ही, बाकी आपके लिए एक सजेशन है कि गुरु नीति में हमेशा इसका डिस्क्रिप्शन में पेपर की पीडीएफ जो होती है डियर, वो पहले से गिवन है, तो आप हमेशा पेपर करने से, वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले जिस भी सब्जेक्ट का कर रहे हो पहले वो पीडीएफ डाउनलोड करो, उन क्वेश्चंस को खुद से बनाओ, एटलीस्ट आपसे सॉल्यूशन नहीं बन रहे हैं तो बात समझ में तो आएगी, हम जो बताना चाहेंगे वो बात बहुत अच्छे वे में आप तक कन्वे हो पाएगी। क्यों सर? बिल्कुल, पहले स्टूडेंट अप्लाईज आप जो है क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो बात, मतलब टाइम थोड़ा सा कम लगेगा पर आपके लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है डियर, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।